आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, आज हमें करना है परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम। तो देखो क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%, अ फैमिली रिड्यूसेस इट्स कंजप्शन सच दैट द एक्सपेंडिचर इज ओनली 10% मोर देन बिफोर। ठीक है, इफ 40 kg ऑफ राइस इज कंज्यूम्ड बाय फैमिली बिफोर, देन फाइंड द न्यू कंजम्पशन ऑफ फैमिली। आपको कंजप्शन की वैल्यू बिफोर की दी हुई है, आपको बाद की पता करनी है। तो देखो मैंने पहले से एक फॉर्मूला लिख रखा है कि जो भी प्राइस होगा उसमें उन लोग जितना भी कंजम्पशन कर रहे होंगे उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उनके खर्चे के बराबर होगा, विच इज़ एक्सपेंडिचर। तो देखो 25% यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो राइस की प्राइस है वो 25% बढ़ी है, तो 25% को 25/100 लिख सकते हैं, विच इज़ 1/4। तो पहले हम मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस था वो 4 था और कंज्यूम कितना हो रहा था, 40 kg हो रहा था। तो आखिर कितना एक्सपेंडिचर है, मतलब कितना खर्चा हो रहा है, 40 × 4 = 160 हो रहा है। अब देखो क्या हुआ, 25% बढ़ गया, तो 4 का 25% क्या होता है, 1 होता है। तो 1 बढ़ा है मतलब अब ये 5 हो गया है और नया कंजप्शन हमें पता करना है। इसको मान लेते हैं कि ये एक्स है। तो इसमें बोल क्या रहा है कि जब ऐसा हुआ है कि 25% बढ़ गया है, अ फैमिली रिड्यूसेस इट्स कंजप्शन सच दैट एक्सपेंडिचर इज ओनली 10% मोर देन बिफोर, मतलब ये एक्सपेंडिचर तो है ही है, प्लस 10% इसका इंक्रीज हुआ है, मतलब 10/100 of 160। तो मतलब इसको लिख सकते हो कि 160 प्लस 16 हुआ है, तो ये कितना हो गया है, देखो 160 और 16 हुआ है 6 + 1 = 7 और ये 176 का इसका अब फाइनली एक्सपेंडिचर है, 176 है। तो बहुत ही सिंपल है हमारे लिए कंजप्शन को फाइंड करना, हमें एक्स को ही फाइंड करना ना। देखो बार बार लिखा है देन फाइंड द न्यू कंजप्शन ऑफ फैमिली, अगर 4 × 40 = 160 है तो मतलब 5 × x = 176। तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं, एक्स विल बी इक्वल टू 176/5। तो 5 × 3 = 15, बचा हमारे पास 2 × 6 = 26 हो गया, 5 × 25, फिर बचा हमारे पास 1, पॉइंट लगा दो तो 10 हो गया और 5 × 2 = 10। 35.2 kg इज द राइट आंसर, मतलब कि उन्होंने अपने कंजम्पशन को 40 से 35.2 कर दिया है, इसलिए उनका जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 10% बढ़ा है। अब इसको ऑप्शन में टिक करते हैं, तो जो ऑप्शन नंबर 1 है यही हमारा करेक्ट आंसर है, 35.2। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर था, थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।